It's quite surreal. I mean, I don't think anyone imagined that the world would be locked down in this way. I don't even think during the World War, the world was locked down. I think even then things were open. So it's a unique and devastating sort of phenomenon. And the shocking thing to me, frankly, the point you made about the bittersweet. Look, well-off people can deal with this type of a situation. They live at home, they have a ecosystem which is comfortable. But what it's been for the poor people, for migrants, it's completely devastating. They've lost confidence, actually. काफी लोगों ने मुझे बता बोला कि बिल्कुल भरोसा खो गए हैं, भरोसा ही नहीं बचा. एंड दैट आई थिंक इज ए वेरी सैड थिंग एंड ए डेंजरस थिंग फॉर द कंट्री. द मोमेंट यू अप्लाई ए फुल लॉकडाउन, यू आर चेंजिंग द नेचर ऑफ द डिजीज. यू आर राइट मेकिंग फ्रॉम ए नॉन फेटल डिजीज टू ए फेटल डिजीज इन द माइंड्स ऑफ पीपल. एंड वंस यू डन दैट, देन टू रिवर्स दैट, दैट इज गोइंग टू टेक. श्रमिकों को धोखा दे रहे हैं, और इसीलिए हम लोगों ने एक सुविधा दी है। पहले से जो उद्योग चल रहे हैं उनमें जो श्रमिक कार्यरत हैं वे लोग जो हमारे लेबर लॉ हैं उन लेबर लॉ के अनुसार ही कार्य करेंगे। लेकिन जो नए जो भी उद्योग चाहे वह पहले से चालू हो या फिर नए हैं, अगर नए मैन पावर को लेना चाहते हैं तो हम लोगों ने 1,000 दिन के लिए एक व्यवस्था की है कि 1,000 दिन के लिए हम लोग सभी प्रकार के लेबर लॉ को सस्पेंड करते हुए हमने उसमें चार पांच चीजों को किया है कि भाई एक कम मिनिमम वेजेज का लाभ उसको मिलना चाहिए। दूसरा, आप उसे 8 से 10 घंटे से अधिक कार्य नहीं ले सकते। अगर लेबर और प्रबंधन दोनों मिलकर के दोनों की सहमति से कार्य करना चाहें अलग विषय है, लेकिन आप उसको जबरदस्ती नहीं काम ले सकते। महिलाओं को रात्रि में काम पे नहीं बुला सकते, बथुआ मजदूरों से काम नहीं ले सकते, किसी भी लेबर की सुरक्षा की गारंटी आपको देनी पड़ेगी। अब इससे ज्यादा सुरक्षा बाद में केजीएमयू की एक लैब को हम लोगों ने तैयार किया, उसमें केवल 50 टेस्ट एक दिन में हो सकते थे. और आज के दिन पर भारत सरकार की मदद से हम लोगों के प्रदेश में 31 नई लैब स्थापित हो चुकी हैं. हम आज के दिन पर प्रतिदिन 10,000 टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं. आज 31 मई को 10,000 टेस्ट प्रतिदिन की क्षमता उत्तर प्रदेश अर्जित कर चुका है. 15 जून तक हम 15,000 टेस्ट प्रतिदिन करना प्रारंभ कर देंगे और जून के अंत तक 20,000 कोरोना के टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता अकेले उत्तर प्रदेश अर्जित कर लेगा. जब पहला केस उत्तर प्रदेश में कोरोना का आया था, तब प्रदेश में एक भी कोविड हॉस्पिटल नहीं था. याद करिए, जब आगरा में पहला केस पाया गया था तो उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली भेजना पड़ा था. आज हमारे पास कोरोना के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के 1,01,000 बेड हैं.